यूपी के हाथरस में छेड़खानी से रोकने पर लड़की के पिता की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, पीड़ित लड़की ने दावा किया है कि आरोपी गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी का नेता है। लड़की के पिता ने बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की थी और इसी से नाराज होकर गौरव शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर कल देर शाम लड़की के पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में चार आरोपियों में से सिर्फ एक आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम ललित है। लेकिन अब लड़की का बड़ा बयान सामने आया है और उसका कहना है कि गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वहीं पापा आलू गुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए, इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, दो तीन घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रहा है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। और हाथरस की इसी वारदात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने घटना में शामिल आरोपियों पर NSA लगाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन हाथरस की घटना को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं और बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य करते हैं। सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन से कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि किसी भी प्रकार की कोई घटना को अंजाम देगा, वो भी बहन बेटियों के मामले में, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितनों बड़ा कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ अपराधी जेल भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर जेल से आते हैं फिर मर्डर करते हैं। सोचो आप, जब अपराधियों के अंदर से पुलिस का और सरकार का खौफ खत्म हो जाए, जेल का खौफ खत्म हो जाए, तो बचा क्या है फिर? तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में खाकी का रोब खत्म हुआ है और यहाँ पे पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। कोई भी कभी भी किसी को भी ठोकता पीटता मारता रहता है। सरकार का कोई डर नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ बची नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हाथरस जिला इस तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया है, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज बन गया है। वहाँ पर महिलाओं की, दलितों की, गरीबों की कोई सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस समय तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय शायद इस देश की जो सबसे ख़राब कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक आध राज्य होगा। ये सरकार का थानों पे और पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है। मनमाने ढंग से लोग वहाँ क्राइम कर रहे हैं और जिस प्रदेश में हाँ क्राइम हमेशा रहता था, लेकिन इस खुलेआम क्राइम हो, ये सरकार की एकदम विफलता दिखाता है। आप क्राइम होने के बाद क्या एक्ट लगा देते हैं, क्या एक्ट नहीं लगा देते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन इस तरीके का धड़ल्ले से लोग क्राइम करें, ये दिखा रहा है कि योगी सरकार कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में तो पूरी तरह विफल है। तो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम विपक्षी दल योगी सरकार के ऊपर हमलावर। ABP News, आपको रखे आगे।